वो सही तरीके से नहीं किया, इसने भेदभाव किया है, उसका हम जमकर विरोध कर रहे हैं। तो हम सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तानाशाही का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार को होश में लाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने जो बजट पेश किया इसमें ना तो किसान का ध्यान रखा गया, ना युवा का, ना ही किसी रोजगार के बारे में ध्यान दिया गया है। जी मैं युवा हूं तो मैं युवा की बात करूंगा, युवा को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, खाली लोटे के सिवाय। अपनी सरकार को बचाने के लिए ये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस पूरे जोर शोर से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं यूथ कांग्रेस के ऑफिस से बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा कि विरोध प्रदर्शन के चलते जो तमाम जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात की गई है, हालांकि हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। हमारे साथ सीट पे बातचीत करने के लिए मौजूद है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ है? हम यहाँ पर जो ये बजट पेश किया है इसकी के बारे में सारे यूथ कांग्रेस के, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इस भाजपा सरकार ने जो अन्य राज्यों के में अलग अलग वो किया है, इन्हें बंटवारा वो सही तरीके से नहीं किया, इसने भेदभाव किया है, उसका हम जमकर विरोध कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार को ज्यादा बजट दे दिया, उसके बदले हमें हरियाणा को कुछ नहीं दिया, अन्य जैसे राजस्थान हो गया उसको कुछ नहीं दिया। तो हम सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तानाशाही का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार को होश में लाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आप भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद है, क्या कुछ आप समझते हैं कि जो बजट पेश, जो मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया इसमें ना तो किसान का ध्यान रखा गया, ना युवा का, ना ही किसी रोजगार के बारे में ध्यान दिया गया है। ये खोखला बजट है, केवल लोटा बजट है, इसमें वापिस खोलने पर कुछ नहीं निकलता है। ये भाजपा जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बजट में लोगों के हित में नहीं आया? जी मैं युवा हूं तो मैं युवा की बात करूंगा, युवा को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, खाली लोटे के सिवाय। बजट पेश किया है उसे यूथ कांग्रेस ने, पूरा देश आया था, इन्हें किसानों को बजट में कुछ नहीं दिया, नौजवानों को बजट में कुछ नहीं दिया, वो लोग चिल्ला रहे हैं, अभी पूरे देश को ये समझ में आ रहा है, फिर भी ये लोग अपने दल को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए ये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस पूरे जोर शोर से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा है। के नाम पे मिडिल क्लास को, इस देश के युवा को, इस देश की महिलाओं को, किसानों को ठगा गया है। लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर 1.5 साल तक किसानों ने धरना दिया, 750 किसानों ने शहादत दी, जिसमें हरियाणा और पंजाब मुख्य रूप से दो स्टेट के किसानों ने डटकर इस सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। आप कहाँ से आए? जींद से, हरियाणा जींद से। अच्छा, क्या कुछ वजह है यहाँ पर आने की? यहाँ पर आने की वजह है ये, खाली जो इन्होंने बजट पेश किया ना, ये कुर्सी बजाओ बजट, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बजट पेश किया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली बजट पेश किया है इन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस द्वारा साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो बजट है वो कुर्सी बचाओ बजट है, हालांकि इस बजट में आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुमार शर्मा, पंजाब केसरी.com।